प्रियंका के बिना अब नहीं लगता जरा भी अंकित का मन। तभी तो देख लीजिए ना, अपने आसपास वो चाहते हैं कि प्रियंका रहे मौजूद। फाइनली जिसका इंतजार फैंस को काफी लंबे वक्त से था, वो घड़ी आ गई। अब अंकित की तरफ से भी प्रियंका को लेकर काफ़ी ज़्यादा केयरिंग चीज़ें देखने को मिल रही हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते नज़र आ रहे हैं अंकित गुप्ता। हमने आपको पहले ही दिखाया था कि अंकित गुप्ता जो है उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि प्रियंका जो है वो बाकी लोगों के साथ इन्वॉल्व रहें और उन्हें कम टाइम दें। तो बस यहाँ पर प्रियंका के लिए कुछ ऐसा ही बोलते नज़र आ रहे हैं अंकित गुप्ता। दरअसल यहाँ पर होता ये है कि प्रियंका जो है वो बातें शातें करती नज़र आती हैं, घर वालों के साथ बातें कर रही होती हैं, क्योंकि आप सबको मालूम ही है कि वो जीत चुकी हैं। उन्होंने अपना टास्क जो है वो जीत लिया था। निमृत को जो है वो उन्होंने टक्कर दे दी थी, निमृत को हरा दिया था और खुद जीत गई थी। और इसी का सेलिब्रेशन जो है वो अपने बाकी लोगों के साथ करती नज़र आ रही हैं, यानी कि जो कंटेस्टेंट्स हैं उनसे बातचीत करती नज़र आ रही हैं, सबसे राय मशवरा लेती नज़र आ रही हैं। और ये सब देखकर अंकित को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है, उन्हें काफ़ी बुरा लग रहा है क्योंकि अंकित से वो ज़्यादा बात नहीं कर रही हैं। बस यहाँ बहुत देर तक अंकित इस चीज़ को देख रहे होते हैं और फिर वो प्रियंका के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या हो गया। और अब इसके बाद अंकित जो है वो प्रियंका के पास आते हैं और कहते हैं कि हो गया तेरा, कुछ मुझे भी टाइम दे दे, थोड़े टाइम मैं भी चाहता हूँ तेरा। जिसके बाद प्रियंका कहती हैं कि क्यों मेरे बिना रह नहीं पा रहे हो। जिसके बाद अंकित बहुत ही ज़बरदस्त रिप्लाई करते हैं, वो कहते हैं कि भाई कम से कम बिग बॉस के घर में तो तेरे बिना मन नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर तेरे अलावा मेरा कोई है नहीं। बिग बॉस के घर में तो तेरे बिना नहीं रह सकता, बाहर की बात तो नहीं है लेकिन हाँ इस घर के अंदर तो मुझे तेरी ज़रूरत है। तो यहाँ पर प्रियंका के बारे में ये बोलते नज़र आते हैं अंकित, जिसे सुनने के बाद फैंस को काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे आपको बता दें कि जो अंकित हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव अब इस वक्त होते जा रहे हैं। उन्हें बार बार ऐसा लग रहा है कि प्रियंका उन्हें टाइम नहीं दे रही, क्योंकि अब प्रियंका बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हैं, अपने गेम पर वो कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं और अब तो उन्हें पावर भी मिल चुका है जिसका वो ज़बरदस्त अभी इस्तेमाल करने वाली है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रियंका का जो गेम है उसे देख कर अब फैंस बड़े खुश होने वाले हैं। और इसके साथ साथ प्रियंका और अंकित की नज़दीकियाँ भी दिखने वाली हैं। अभी आप सबने देखा ही कि कैसे प्रियंका चाहर चौधरी की चंपी करते नज़र आए थे अंकित गुप्ता, अब तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दोनों की बॉन्डिंग भी बीच बीच में देखने को मिलती ही रहती है। साथ ही साथ इससे पहले जो है वो फैंस को अच्छा नहीं लगा था जब अंकित और प्रियंका के बीच काफ़ी बहस हुई थी, दोनों के बीच प्रॉब्लम हुई थी, ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ये सब कुछ बिग बॉस का खेल है और सारा बिग बॉस जो है वो वही खेल रहे हैं ताकि प्रियंका और अंकित को फैंस लगातार देखें, जानने की कोशिश करें कि आखिर अंकित और प्रियंका के बीच है क्या, क्या सच में रिलेशनशिप है, दोस्ती है या फिर कुछ नहीं है। और हर कोई यही जानना चाहता है कि प्रियंका और अंकित जो है वो घर से निकलने के बाद कैसा रिश्ता उनका रहता है, क्या ये दोस्ती रहती है या फिर ये दोस्ती टूट जाती है, या फिर अंकित और प्रियंका आगे चलकर शादी करते हैं। हालांकि अमरीक यानी कि अभिषेक जो कि अंकित गुप्ता के भाई बने थे उड़ारिया सीरियल में, उन्होंने साफ साफ कह दिया है एक इंटरव्यू के दौरान कि अंकित भाई को तो शादी करनी ही नहीं है। अब यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि अंकित जो है वो आगे क्या डिसीजन लेते हैं, प्रियंका और अंकित का जो रिलेशनशिप है वो आगे कितना ज़्यादा बढ़ता है। फिलहाल तो बात पक्की है कि जो अंकित हैं वो अब प्रियंका को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। तभी तो यहाँ पर प्रियंका जब सबसे बात कर रही हैं तो यहाँ अंकित आते हैं और कहते हैं भैया मेरे को भी टाइम दे दे। तो बड़ा ही प्यारा सा बॉन्ड दिखा अंकित और प्रियंका के बीच। आप सब कितने एक्साइटेड हैं इस बॉन्ड को देखने के लिए, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। बिग बॉस की लेटेस्ट अपडेट के लिए फिर यूट्यूब सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देखें तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।